तो मेरे दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में समझा और जेंगो सेटअप किया हमारे सिस्टम पे। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया ऐप क्रिएट करेंगे एंड व्यूज और यूआरएल्स के बारे में भी समझेंगे। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं। सो, ये जो हम लोग को दिख रहा है ये हमारा डिफॉल्ट होम पेज है, इसको चेंज करेंगे। बट यहाँ पे तुम लोग ये देख रहे हो जो है 127.0.1, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल होस्ट। दैट मीन्स कि ये जो वेबसाइट है हमारी लोकली चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके जगह पे यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, LOCALHOST, ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस ऑल्सो वर्क राइट। तो ये मेरा जो है सर्वर लोकली चल रहा है राइट। सो ये जो था 127 पॉइंट, ये एक स्पेशल आईपी है, दैट मीन्स लोकल होस्ट। ओके यस। सो अब मैं क्या करूंगा, एक नया ऐप क्रिएट करूंगा। सबसे पहले ऐप क्रिएट करने से पहले मैं अपना डेवलपमेंट सर्वर किल करूंगा, तो उसके लिए मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर लेता हूं एंड मैं यहां पे इस ब्लॉक प्रोजेक्ट को ओपन करता हूं और यहां पे टर्मिनल ओपन करता हूं। और अब मेरे को यहां से अपना एनवायरमेंट एक्टिवेट करना है, वर्चुअल एनवायरमेंट। कैसे करूंगा मैं, तो उसके लिए मेरे को एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक डायरेक्टरी पीछे, मतलब इस माई ENV में है ना, स्क्रिप्ट फोल्डर और स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट। तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश लिखूंगा। डॉट डॉट स्लैश मतलब एक डायरेक्टरी पीछे जाना है और उसके 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 बाद एक फोल्डर है माई ENV करके, एंड देन उसमें है स्क्रिप्ट फाइल एंड देन उसके अंदर है एक्टिवेट, ACTIVATE। तो ऐसे तुम लोग एक्टिवेट कर सकते हो एनवायरमेंट। यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐप क्रिएट करेंगे। अब समझो ऐप क्या होता है, ठीक है, जेंगो की भाषा में ऐप क्या होता है। देखो अभी हमारे पास ये एक डिफॉल्ट ऐप है जो कि है ब्लॉक प्रोजेक्ट। एक डिफॉल्ट ऐप नहीं, एक बेस ऐप है ये, ब्लॉक प्रोजेक्ट एक बेस ऐप है। देखो हमारे जो प्रोजेक्ट होगा उसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, सो अलग अलग फीचर के लिए अलग अलग ऐप बनाएंगे हम। लेट्स से एक ब्लॉक एक फीचर है, तो उसके लिए एक नया ऐप बनाएंगे। लेट्स से ऑथेंटिकेशन एक फीचर है, तो उसके लिए एक नया ऐप बनाएंगे। So, ऐसे अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग ऐप हम लोग बनाते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है हम लोग एक ही बेस ऐप में ही पूरा कोड लिख सकते हैं, बट देन अच्छा है कि हम लोग कोड को सेपरेट आउट करें ताकि मैनेजेबल हो सके कोड राइट। तो इसलिए हम लोग एक सबसे पहले एक नया ऐप बनाएंगे, ठीक है। यस ओके। अब देखो वो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा पाइथन, और जैसा कि मैंने बोला था हम लोग मैनेज डॉट पाई का फाइल का यूज करते हैं क्योंकि वो एज अ हमारी कमांड लाइन यूटिलिटी एक्ट करता है, MANA मैनेज डॉट पाई एंड देन स्टार्टअप आई गेस, और उसके बाद ऐप का नाम एक बार देख लेता हूँ मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। जेंगो के डॉक्यूमेंट मैनेज डॉट पाई स्टार्टअप एंड देन एक नाम देना है हमारे ऐप को, तो लेट्स से मैं ब्लॉग नाम दे देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ एंड ये हमारा एक ऐप क्रिएट हो चुका है राइट। सो ये है बेस ऐप और ये ऐप जो है हम लोगों ने क्रिएट किया। इसके अंदर भी बहुत सारा फाइल है, तुम लोग बोलोगे भाई इतना सारा क्या, इतने सारे फाइल्स क्यों। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, एक ही बार में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो सब समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। सो, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिफॉल्ट पेज है इसको चेंज करते हैं, मे बी एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। सो लेट्स से यूजर विजिट करता है लोकल होस्ट स्लैश यहाँ पे, तो उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए राइट। हम लोग हेलो वर्ल्ड रेस्पॉन्स देंगे यूजर को। देखते हैं वो कैसे करेंगे। सो उसका कोड हम लोग ये बेस ऐप ओपन ओपन करते हैं और उसमें हमारी एक फाइल है urls.py। सो इसमें हम लोग लिखेंगे कि यूजर कौन से URL पे विजिट करेगा तो उसको क्या दिखेगा, ठीक है। यस। तो यहाँ पे एक पहले से ये डला हुआ है, अभी इसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है। ये कुछ ऐसा कोड है जो जेंगो आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग को प्रोवाइड करता है। देखो जेंगो बहुत ही हाई लेवल है और आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग को बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, अभी इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एक और चीज मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं कि तुम लोग को हम लोग को एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए है कि ये जो हमारा VS कोड है इसको मालूम नहीं है कि ये जेंगो कहाँ पे इंस्टॉल है, तो इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे तुम लोग को कॉर्नर में देख सकते हैं कि Python 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि Python ये लिखा है। इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो रहा है और उसमें हम लोग को हमारा इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे तुम लोग को देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है जेंगो ट्यूटोरियल्स के अंदर माई ENV है, स्क्रिप्ट्स एंड पाइथन EXE है, मेरे को ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है, ये इन्वायरमेंट मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट, उसमें मेरा जेंगो इंस्टॉल है। अगर तुम लोग का ये नहीं दिखाया तो तुम लोग यहाँ से यहाँ पे एंटर पाथ इंटरप्रेटर पाथ में क्लिक करके एंड देन
फाइंड कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पे दिखा रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आएगा, यहाँ कंट्रोल प्लस पी प्रेस करोगे एंड देन यहाँ पे भी तुम लोग लिख सकते हो आई गेस पाइथन इंटरप्रेटर, हाँ यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट ओके। सो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिखता हूं पाथ, अगर क्लाइंट कोई भी यूजर विजिट करेगा लोकल होस्ट कोलन 5000 एंड उसके बाद कुछ नहीं डालेगा, तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट उसके बाद कुछ नहीं डालेगा या स्लैश डालेगा तो उसके लिए खाली लिखेंगे तो उसको कुछ दिखेगा। ठीक है ओके। सो अगर यूजर इस पे विजिट करेगा, इस पे मतलब ऐसे हमारी जो साइट है उसका नाम www.cnqcom एंड उसके बाद स्लैश डालेगा या कुछ नहीं डालेगा, ठीक है, तो उसको कुछ दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये राउट है हमारा, इस राउट के लिए हम लोग को एक राउट हैंडलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो हैंडलर होता है ना वो बनता है हमारा व्यूज वाले फाइल में। तो ये जो हमारा बेस ऐप है, ओ बेस ऐप बोल रहा हूँ, जो ये ब्लॉग ऐप ब्लॉग प्रोजेक्ट हमारा बेस ऐप है एंड ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया इसमें एक फाइल है views.py, इसमें हम लोग हमारा एक हैंडलर क्रिएट करेंगे उस राउट के लिए। उसको मैं कुछ नाम देता हूँ, लेट्स से मैं वो एक फंक्शन होगा, लेट्स से मैं उसको नाम देता हूँ होम। ठीक है, एंड होम में हम लोग को रिक्वेस्ट रिसीव होता है एंड रिक्वेस्ट एज आर्ग्यूमेंट रिसीव होता है और हम लोग रिटर्न करेंगे लेट्स से हेलो वर्ल्ड, बट ये काम नहीं करेगा, हम लोग को एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, फ्रॉम इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी एच टी टी पी रेस्पॉन्स एंड इसको हम लोग को एच टी टी पी रेस्पॉन्स से रैप करना पड़ेगा। एच टी टी पी सेशन क्यों नहीं आ रहा है, ये आ गया लाइक्स, सेव करता हूं मैं। अब मेरे को व्यूज वाला जो ये फाइल है जो कि मेरे ब्लॉग ऐप के अंदर है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस यूआरएल वाले फाइल में। सो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम ब्लॉग इंपोर्ट व्यूज, राइट। अब यहां पे मैं लिखूंगा मेरा राउट हैंडलर व्यूज में है एंड व्यूज में डॉट क्या नाम है उसका, होम नाम है लाइक सो। इसको मैं सेव करता हूं एंड अब मैं यहां पे रिफ्रेश करूं तो देख लेते हैं कुछ एरर है क्या, और हमारे हम लोगों ने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, माय बैड। ओके सो मैं लिखूंगा पाइथन एम ए एन एन ए जी मैनेज डॉट पी वाई एंड देन रन सर्वर, ओके एंटर एंड यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूं सो हेलो वर्ल्ड हम लोग को प्रिंट हो रहा है, ब्यूटीफुल इजंट इट, राइट। एक और राउट बनाऊंगा मैं, एक और राउट यार थोड़ा सा मजा और करते हैं। लेट्स से एक कॉमा देना, अब लेट्स से अगर पाथ होगा अबाउट, कोई अगर अबाउट पे विजिट करता है स्लैश ऐसे लिखेंगे अबाउट स्लैश, तो मतलब कोई अगर हमारी वेबसाइट का नाम स्लैश अबाउट स्लैश यहां पे विजिट करता है तो उसको क्या दिखेगा। ठीक है ओके सो उसको दिखेगा क्या दिखेगा, उसको व्यूज के अंदर बनाएंगे, उसके लिए हम लोग को एक और राउट बनाना पड़ेगा, लेट्स से डेफ अबाउट नाम देता हूं मैं उसको। अगेन ये रिक्वेस्ट रिसीव करता है एज आर्ग्यूमेंट, इसका यूज क्या है बाद में पता चलेगा। ठीक है, अभी एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान जाओगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अगेन मैं एस एस टी पी रेस्पॉन्स को यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अबाउट पेज, ये हम लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं यूजर को अगर कोई यूजर अबाउट पेज पे विजिट करेगा तो। ओके सो यहाँ पे अगेन मेरे को बताना पड़ेगा व्यूज के अंदर है हमारा अबाउट राउट हैंडलर। सेव करता हूं मैं इसको, ये हटा देता हूं कमेंट, ओके एंड अगर अब मैं यहां पे स्लैश अबाउट पे विजिट करूं तो यहां पे दिस इज अबाउट पेज दिखा रहा है, ब्यूटीफुल। अगर मैं कुछ नहीं एंटर करता हूं यहां पे, सिर्फ लोकल होस्ट एंटर करता हूं तो यहां पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है ना, तो ये हमारा राउट हैंडलर है। अगर मैं कुछ एंटर नहीं करता हूं, अगर मैं स्लैश अबाउट एंटर करता हूं तो ये राउट हैंडलर चल रहा है, ब्यूटीफुल। तो अब तुम लोग को समझ में आया कि urls.py फाइल में कौन सा कोड लिखेंगे, अलग अलग राउट्स के लिए कौन सा हैंडलर चलेगा, राइट।
वो वाला कोड लिखेंगे एंड वो जो हैंडलर होगा उसका कोड हम लोग इसके अंदर लिखेंगे व्यूज फाइल के अंदर, राइट। सो आई थिंक अब मैं तुम लोग को कुछ होमवर्क देता हूँ। होमवर्क तुम्हारा ये है कि अलग अलग और कुछ राउट्स बनाओ, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, प्रोफाइल, कुछ कुछ राउट्स बनाओ और थोड़ा मजा करो। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।